रुद्रप्रयाग में व्यापारियों ने ईओ का घेराव कर नगर पालिका परिषद में जमकर हंगामा किया। दरअसल व्यापारी नगर निगम परिषद और पुलिस के अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई कार्रवाई से नाराज है। व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन जबरन व्यापारियों का चालान कर रहा है, साथ ही पहले तय किए गए नियमों को भी तोड़ रहा है। जो नगर पालिका प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है उसका विरोध नहीं है हमारा। हमारा विरोध ये है कि जिसके अपनी भूमि में अपनी दुकान में सामान लगा हुआ है उसका भी चालान कर रहे हैं। और दूसरा, व्यापार संघ ने निर्णय लिया है कि रोड साइड में व्यापार संघ अपनी दुकानों के बाहर सामान नहीं लगाएगा, लेकिन दुकानों के आगे कोई भी मोटरसाइकिल खड़ी करने नहीं देगा। ये तो प्रशासन की दादागिरी चल रही है। एक तो दुकानदारों का चालान भी करो और उनकी दुकान के आगे गाड़ियां लगवाओ। वहीं ईओ राजदेव जायसी का कहना है कि सड़कों पर लगने वाली रेहड़ियों पर ही कार्रवाई की गई और उन्हें स्थानांतरित किया गया जिससे जाम की समस्या ना पैदा हो। नालियों पर कहीं इस तरह का अतिक्रमण नहीं है इतना ज्यादा कि कहीं कुछ इस तरह की परेशानी आए। और जो ये अभियान चल रहा है तो होता क्या है कि अगर हम समय समय पर नहीं करते हैं तो कुछ छोटे छोटे व्यापारी जैसे ठेला व्यापारी हो गए या इस तरह फल लगाए तो ये लोग रोड साइड में लगा देते हैं जिससे दिक्कत उत्पन्न होती है। तो फिलहाल उन्हीं को हम ये कह रहे हैं कि भाई आप अपना एक तरफ हट जाओ या एक कहीं सुटेबल जगह देख के लगाओ, आप इस तरह से व्यवस्था करने के लिए ताकि जाम न लगे। अब ईओ का घेराव कर व्यापारियों ने दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।